मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 6:40 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी और तीन बड़े संदेश खुद बजरंग बली लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, अन्यथा जीवन भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले महाबली हनुमान जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय श्री राम जय हनुमान तीन बार लिख दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों ये समय आप सभी के कुंडली में राहु केतु और शनि की स्थिति बहुत ही शुभ होने वाली है और एक साथ आपके तीन ग्रह अपनी चाल बदलने वाले, जिनके कारण यह समय आप सभी का जीवन बदलने से अब कोई रोक नहीं सकता है। कल से आप सभी का पूरा जीवन अचानक से बदल जाएगा। दोस्तों कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कितनी बड़ी सफलता आप सभी को प्राप्त होगी, जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, जो बड़े बड़े कामयाबी आप सभी को मिलने वाली है। आप कहेंगे धन्य हो प्रभु आप और आपकी लीला। जी हाँ दोस्तों, साक्षात महाबली हनुमान जी का हाथ आप सभी के स्तर पर है और सैया की तरह आपके आगे पीछे। बालाजी महाराज रहते और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको बड़े संकेत भी देने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपको कुछ गलती भूल कर भी नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, अगर ईश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई संकेत हमें जरूर ही देते हैं जिनसे हम अपने जीवन को पुनः बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पिछले का इसमें से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। दोस्तों आपने कभी भी किसी की बुराई नहीं की है, ना ही किसी के प्रति आप पूरे सोच रखते हैं, हमेशा आप सभी की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं और यही सब अच्छे कर्म आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। दोस्तों और आपकी और ईश्वर को भी आकर्षित करते हैं और आप देखेंगे कि कल से आप सभी का जीवन जिसे बदल जाएगा। सभी लोग कहेंगे कि वह क्या किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसा। जी हाँ, बहुत ही बड़ी कामयाबी का द्वार अब आप सभी के जीवन में खुलने वाले आने वाले 24 घंटे आपको कुछ संकेत को समझना है और कुछ महत्वपूर्ण उपाय को भी करना है, जिसे महाबली हनुमान जी आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी सवार देंगे और आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों वह कौन सा उपाय है? तो दोस्तों कल से आपको अपने जीवन में यह उपाय करना है, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करना और भी लाभदायक रहेगा कि पीपल के पत्ते पर कुमकुम से जय श्री राम लिखें और फिर हनुमान चालीसा का जाप करें। उसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नानादि से निवृत्त हो हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद एक थाली में फल और फूल की स्थापना करें। इसके बाद अपनी अधूरी मनोकामना या इच्छा हाथ जोड़कर हनुमान जी के आगे दोहराएं। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। मंगलवार के दिन एक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से संकट मोचन भक्तों के सारे बिगड़े काम बना देते हैं।
आप भी हनुमान जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इन उपायों को जरूर करें। AUM हम हनुमते नम। बजरंग बली का ये चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। जैसे वाद विवाद, न्यायालय आदि के काम में कोई बाधा आ रही है तो इस मंत्र का मंगलवार को विधि पूर्वक जाप करें। AUM नमो भगवते हनुमते नम। इस लेख में भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के 6 शक्तिशाली तरीकों पर चर्चा की गई है, जिसमें पूजा और मंत्रों का पाठ, मंगलवार को लाल पहनना, पूजा के दौरान मिठाई चढ़ाना, हनुमान मंदिरों में जाना, योग या ध्यान के दौरान श्री राम जय जय राम का जाप करना और मंत्र का जाप करना शामिल है। शांति, समृद्धि और के लिए हनुमान चालीसा। हनुमान जी को घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को अनामिका अंगुली से तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, गंध चंदन आदि लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। यदि मूर्ति का अभिषेक करना चाहते हैं तो कच्चा दूध, दही, घी और शहद यानी पंचामृत से उनका अभिषेक करें, फिर पूजा करें तो सही जो उपाय है इसे हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। आई इसी के साथ बात करते हैं कल से आप सभी का जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक जीवन, शिक्षा का क्षेत्र, सभी क्षेत्र में ग्राहक गोचर कौन कौन से बड़े परिवर्तन करने वाले हैं और इनका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या होगा, चलिए बात करते हैं। आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा जिससे थकान का अनुभव करेंगे। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दें या कल के लिए बचा रखें। काम थोड़ा भले ही करें लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। आज गृहों की स्थिति आग से दुर्घटना की आशंका जता रही है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिड़चिड़े से रहेंगे जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान ना होने दें। हालांकि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है, आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। यह समय उन लोगों से अपने आप को अलग करने का समय है जो आपके विचारों से असहमत है या जो आपके साथ चलने या सहायता करने में असमर्थ है। यह वित्तीय संतुलन के हिसाब से भी एक बड़ा कदम होगा। आपकी इस व्यापारिक रणनीति के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी आय सुरक्षित है और जिसे आप अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। चलते फिरते समय खासा ख्याल रखने की जरूरत है। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था उसका फायदा आज आपको फायदा मिल सकता है। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। आपका हमदम आपको पूरे दिन याद करता रहेगा। उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाएं और इसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में सोचें। इस राशि के लोगों को आज अपने आप को समझने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है। बहुत ज्यादा बातें करके आज आपको सिर में दर्द हो सकता है, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बातें करें। आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, पहचान और इज्जत भी मिलेगी, वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, ऑफिस में तारीफ मिलेगी, वेतन में बढ़ोतरी भी संभव है, सेल्स क्षेत्र वाले लोग भी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे,
आज अपने परिधान में नीला रंग शामिल करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आज आराम करने का दिन है। अपने लिए कोई मसाज अपॉइंटमेंट लें या कोई तनाव भगाने वाली क्रिया करें। हालांकि इसका यह मतलब यह भी नहीं है कि आप पूरे दिन सोफे पर आराम फरमाएं। इसके स्थान पर आप सक्रिय रहकर स्वास्थ्य संबंधी भोजन या जिम उपकरण खरीद सकते हैं। आपको किसी से स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। अपने साथी के साथ रोमांस और छोटी छोटी खुशियां देने वाला वक्त बिताएं। आज के दिन गंभीर मुद्दों को उठाकर एक तरफ रख दें। वास्तव में आपका संबंध काफी प्रगाढ़ है। आपको इस समय का प्रयोग कुछ हल्के फुलके और मनोरंजक कार्यकलापों के लिए करना चाहिए। ऐसा करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने का आनंद लें। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। दोनों हाथों से इसे लें। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वालों से दूर रहे। आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाए। आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्त हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियों खोजें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांचक हों और आपको सुकून दें। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाए जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए आज भी आप कई बार सोचेंगे, लेकिन बाकी दिनों की तरह भी आज यह प्लान धरा का धरा रह जाएगा। संभव है कि शुरुआत में जीवन साथी की ओर से आपको कम ध्यान मिले, लेकिन दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि वह आपके लिए ही कुछ कुछ करने में व्यस्त था। छुट्टी जाया हो गई, इस पर सोचने की बजाय बाकी बचे दिन को आप किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं इस पर विचार करें। आज का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण उलझन में डालने वाला रहेगा। आप किसी परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समाधान हाथ न लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेंगी, जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बदलाव करना पड़ेगा। आज किसी परिजन को थोड़ा बीमार होने के कारण आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। आप खुद को उसकी देखभाल के लिए तैयार पाएंगे, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखें और हाथों को कई बार धोएं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज छोटी छोटी चीजों के बारे में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आज आपको कई तरह के संक्रमण होने का खतरा है। लोग आपके पास सहानुभूति के लिए आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान बैठेंगे। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप सी बातचीत के जरिए अपने विचार साझा करना चाहेंगे। आज का दिन एक नए व्यापार उद्यम को लगाने का समय है। काफी समय से बात आपके मन में थी, परंतु उसे उपयोगिता में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आज का दिन इसको पूरा करने का दिन है। आपको कई नए अवसर मिलेंगे और सब वैध एवं असली होंगे। अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेंगे तो जो भी मुश्किलें आ रही थीं, वे धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी। ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप हानि को भी मुनाफे में बदल सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। सफलता प्राप्ति के लिए स्वप्न देखना बुरा नहीं है, परंतु हमेशा दिवा स्वप्न में खोए रहना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
दिन शांत रहेगा, पिछले सप्ताह के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनापेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। आप अपनी किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के किसी एक पहलू पर पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रहे। आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने अस्वीकार का जो सुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ है वो आज टूट जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा। यह आपकी सेहत की बेहतरी के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूरी कदम उठा पाएंगे। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने घर में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ अचने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर को खो सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकर या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। आपके जीवन साथी का आंतरिक सौंदर्य बाहर भी पूरी तरह महसूस होगा। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो आपका दिन कुछ इसी तरह गुजरेगा। आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। आपकी सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई फैसला कार्यान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि आज लगी हुई चोटें भी गंभीर सिद्ध हो सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम न लें। यह अस्थाई समय है, लेकिन तब भी आप अब अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। ये आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे, लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता न करो, क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हो और ये चीज आपके रिश्तों को और गहरा करेगी। आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके अपव्यय करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ जाती है। ये समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कर्म करने का भी। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। आज आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। किसी वजह से आज आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है, इसका आप फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आज किसी नदी का किनारा या पार्क की सैर बेहतर विकल्प हो सकता है। भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आएगी। लोगों ने आपको बुरा आदमी समझ लिया है, उन्हें समझने दें और निराश ना हो। समय का एक गुजरने के साथ साथ उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसे आदमी हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक बार फिर से सोच लें। आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए तैराकी करें और डॉट डैच लगाएं। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा क्योंकि यह घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। ये जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्यायसंगत निर्णय ले ताकि आप बेहतर नीतियां बना सके। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वो काफी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे वो आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों को अनदेखा न करें। हो सकता है कि वे आपकी जरूरतों को ज्यादा गंभीरता से न लें। अपने प्रिय से कुछ भी तल्ख कहने से बचें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ी देहज सकता है। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। आज अपने घर की छत में लेटकर खुले आसमान को निहारना आपको अच्छा लगेगा। आज आपके पास इसके लिए पर्याप्त समय होगा। आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्वाग्रहों को आड़े न आने दें, इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगा। आज आपको आलस सा महसूस होगा लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं। आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है, यह सब अत्यधिक भाग दौड़ी का नतीजा है। इसीलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका अकदा 1936 का रहा है और यह समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे,
और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और आप जो चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकता है, लेकिन यहां आपको प्रसन्नता मिलेगी। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता है। अपने जरूरी कामों को निपटाकर आज आप अपने लिए समय तो अवश्य निकालेंगे, लेकिन इस समय का उपयोग आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है। छात्र जिस विषय में कमजोर हैं, उस विषय के बारे में आज अपने गुरु से बात कर सकते हैं। गुरु की सलाह आपको उस विषय की जटिलताओं को समझने में सहायक होगी। आज आप थोड़े से अभिमान में रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर सोचेंगे और काम करेंगे। इसी के कारण आप किसी बड़े अधिकारी से बात करते हुए आंखें नहीं मिला पाएंगे। यह अच्छा होगा या बुरा, यह आज आपको सोचना है। हमारी सलाह यह है कि आज अपने दिमाग की सुने, व्यवहार कुशलता का परिचय दें। आपने एक नया वर्कआउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आज आपको इसके लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आपकी कमर कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप किसी नई हॉबी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे। आज का दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शान से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। छात्रों के लिए यह किसी भी परीक्षा में उतरने लिए एक अच्छा दिन है, सफलता आपके साथ है। पेशेवरों के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा, लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिन आज अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीजों को व्यवस्थित करें। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खास धन खर्च हो सकता है। उस रिश्तेदार को देखने जाए जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। हालांकि प्यार में निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आखिर में जीत सच्चे प्यार की ही होती है। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें। अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहें, नहीं तो वह खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। आपके पिता आज आपके लिए कोई तोहफा ला सकते हैं। इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर न छोड़ दें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। दिन आंतरिक ऊर्जा के उफान से शुरू होगा, आप खुद को शांत और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे। आज बिजनेस संबंधी किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपकी मानसिक शांति के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अपने प्रतिद्वंद्वी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपके स्वभाव से प्यार करेगा। वह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा।
आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी न चलेगा कि आप कब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हो। बहुत अच्छी पसंद है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके भविष्य की योजनाओं के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी लें। सोचने से पहले दो बार सोचें। अनजाने ही आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। अपने पैसे को संचय करने के लिए आज अपने घर के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी। अगर आज आप किसी को सलाह देते हैं तो कोहूर लेने के लिए भी तैयार रहें। प्यार का बुखार आपके सर पर चढ़ने के लिए तैयार है, इसका अनुभव कीजिए। तनाव से भरा दिन, जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं, छोटे छोटे मामलों को लेकर हुए आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने और बहकावे में न आए। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से आपको रोक सकती है।